जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता खंड का 10वां अध्याय सृष्टि रचना वर्णन सुना रही हूँ। सुन, सबसे पहले ईश्वर की प्रेरणा से पुरुष रूप से जो अधिष्ठित हुआ है उसे अव्यक्त से बुद्धि आदि से लेकर विशेष तक कर्म से विकार उत्पन्न होते हैं। उनके बाद उन विकारों से सर्व कारण रूप रुद्र विष्णु ब्रह्मा से तीन देवता तथा सर्वव्यापिनी अभेद शक्ति अपरिमित ज्ञान आदि सभी अणिमा आदि वैभवों के साथ पैदा हुए। इन तीन देवताओं का कर्म से सृजन पालन संहार ये तीन कार्य हुए। ये सभी रुद्र आदि ईश्वरताओं युक्त हैं। ऐसा देख कर महेश्वर प्रसन्न हुए। एक कल्प समाप्त हो जाने के बाद दूसरे कल्प के आरंभ में फिर इन तीनों देवों को जो कि सप्रदा बुद्धि मोह युक्त थे उन्हें सर्जन आदि काम महेश्वर जी ने दिए। ये तीनों देवता एक दूसरे से पैदा होकर एक दूसरे को धारते हैं। एक दूसरे से बुद्धि तथा अनुसरण करने वाले हैं। परस्पर एक दूसरे की ब्रह्मा विष्णु रुद्र कभी कभी प्रशंसा भी करते हैं। तभी तो एक दूसरे से अधिक तथा कम नहीं हो पाते। इन्हें एक दूसरे से किसी को अधिक मानने वाला मूर्ख पिशाच तथा राक्षस योनि पाता है। प्रधान से प्रथम वृद्धि ख्याति बुद्धि एवं महत्त्व पैदा हुए। महत्त्व के शोभ से तीन प्रकार के अहंकार उत्पन्न हुए। अहंकार से पांच महाभूत पन मात्रा इंद्रिया पैदा हुई। कृत अहंकार के सतगुण से अतिरिक्त सात्विक तत्व उत्पन्न हुआ। वैकारिक सृष्टि तो एक ही ज्ञानेन्द्रिया पांच कर्मेन्द्रिया पांच तथा मन है। तमोगुण अहंकार पांच महाभूत पंच तंत्र आदि से उत्पन्न ग्यारहवा मन अपने गुण द्वारा दो प्रकार का होता है। संपूर्ण प्राणियों से प्रथम आदि भूत होता है। उस आदि भूत से शब्द गुणवान आकाश पैदा होता है। फिर आकाश से स्पर्श गुण उससे वायु वायु से रूप गुण रूप से तेज तेज से रस गुण उससे गंध गंध से पृथ्वी पैदा होती है। फिर इन पांच महाभूतों द्वारा सारा संसार निर्मित हो जाता है। ये पांच महाभूत अव्यक्त महेश्वरी की कृपा द्वारा पुरुष से अधिष्ठ रहते हैं। तब महदादिक से प्रारंभ कर विशेष कर इस अंड को उत्पन्न करते हैं। उस समय कार्य कारण से सिद्ध हुआ। ब्रह्मा उस अंड से वृद्धि पाकर ब्रह्मा नाम करके क्षेत्र यज्ञ हो जाता है। यही सर्वप्रथम शरीरधारी पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों से पहले उत्पन्न हुआ यही आदिकर्ता एवं ब्रह्मा कहता है। अव्यक्त की प्रेरणा द्वारा इनके मन से अनेकों मनोरथ पैदा होते हैं और किसी प्रकार से नहीं। इनके तीन गुणों को अपने अधीन रखने का स्वभाव है और उन तीन गुणों की अपेक्षा भी इससे होती है। उन्हीं तीन गुणों द्वारा फिर अपने शरीर के तीन विभाग कर देता है। सृष्टि कार्य में ब्रह्मा का भाग, संघार कार्य में रुद्र, पालन कार्य में सहस्त्र शीर्ष विष्णु होता है। वह नायक रहता है। यह नायक विराट रूप में हो जाता है। स्वर्ण में
सुमेरु पर्वत उसका गर्भ बंधन होता है, समुद्र जल गर्भ तथा गर्भाशय होता है, उस अंड में लोक है, लोकों में सूर्य चंद्र नक्षत्र वायु आदि रहते हैं, उनके साथ साथ विश्व व्यापक हो रहा है, ऐसे 10 गुना बढ़कर जल इस अंडे को ढक रहा है, जल से 10 गुना तेज, तेज से 10 गुना वायु, वायु से 10 गुना आकाश, फिर उसे आदि भूत ढक रहे हैं, उन्हें 5 भूत आदि, इनको फिर महत्व आदि को प्राकृतिक चारों ओर ढके रहती है, यह 7 आवरण है जिससे अंड आवृत रहता है, ये सब 8 प्रकार की प्रकृतियां हैं, अंड के बाहर परस्पर एक दूसरे को ढक कर स्थित हैं, सृष्टि के रचना आदि कार्यकर्ता तीनों देवता एक दूसरे से पैदा होकर एक दूसरे को धारण किए रहते हैं, आधार अध्यय भाव वाले जितने विकारी हैं, उनमें विकार रहता है, अपने अंगों को संकुचित तथा विस्तृत कर देने वाले कछुए की भांति यह अव्यक्त विकारों को रचते हैं, फिर अपने में छुपा लेते हैं, अव्यक्त द्वारा ही संपूर्ण संसार क्रमशः निर्मित होता है और विपरीत उसके क्रमशः लय भी हो जाता है, काल के अधीन होने के कारण गुण भी सम तथा विषम हुआ करते हैं, गुणों की कमी एवं विशेषता होने पर ही सृष्टि की रचना होती है, इनका समानता होने पर प्रलय हो जाती है, ब्रह्मा की योनि यही है, महाकठिन अंड ही ब्रह्मा का निश्चयात्मक क्षेत्र है, तभी तो ब्रह्मा क्षेत्र यज्ञ है, प्रकृति का सर्व कामिनी है, इसी प्रकार इस प्रकार के सहस्त्र कोटि अंड रहा करते हैं, उन उन अंडों के चतुर्मुख विष्णु तथा रुद्र इन देवों को प्रकृति रचती है, वे तीनों देवता शिवजी की समीपता पाकर स्थिर रहते हैं, महेश्वर तो व्यक्त से भी परे है, व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से अंड, अंड से ब्रह्मा पैदा होता है, फिर यही ब्रह्मा संपूर्ण लोक रचता है, पहले परवर्त होने वाली प्रधान सृष्टि तथा प्रलय काल में सबका प्रलय, ये दोनों कार्य तो केवल परमेश्वर की लीला मात्र है, संपूर्ण सृष्टि के अतुल कारण प्रकृति से पैदा हुए ब्रह्मा आदि अंत मध्य रहित हैं, अंत है प्राक्रम श्वेत रक्त वर्ण वाले एवं पुरुष संयुक्त है, 10वां अध्याय समाप्तम, जय भोले की। 11वां अध्याय सृष्टि की आदि का वर्णन, यह आप दूसरी वीडियो में सुने, यदि आपको शिव महापुराण पूरी सुनी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। एक और बात, अगर आपको सुख सागर भी सुनी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि शिव महापुराण संपूर्ण होने के बाद हम सुख सागर पढ़े और सुनेंगे। जय भोले की, हर हर महादेव, बम बम भोले।